कब होगी फिल्म ओटीटी पर रिलीज, कौन है ट्विंकल शर्मा, किसने किसके लिए करी पार्टी अरेंज। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। रामचरण जूनियर एनटीआर और आलिया भट्ट की फिल्म एसएस राजा मौली की ट्रिपल आर को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये कोई रहस्य नहीं है कि फिल्म जल्द ही ओटीटी पर भी रिलीज होगी, जबकि फैंस उसी के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ट्रिपल आर के निर्माता जयंतीलाल गड़ा के अनुसार फिल्म को ओटीटी रिलीज में 75 से 90 दिन लग सकते हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, ट्रिपल आर का प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 75 से 90 दिन पूरे करने के बाद ही होगा। कहा जा रहा है कि फिल्म नेटफ्लिक्स और G5 पर हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोरियाई, पुर्तगाली, तुर्की और स्पेनिश में अवेलेबल होगी। एसएस राजामौली की ट्रिपल आर, जो पिछले शुक्रवार को सिनेमाघरों में आई थी, एक आदिवासी लड़की मल्ली के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेलंगाना के आलिदाबाद जिले के गोंड आदिवासी बस्ती में है, जो टैटू बनाती है और इस लड़की के इस आर्ट से ब्रिटिश गर्ल इम्प्रेस हो जाती है। बाद में ब्रिटिश महिला के पति एक हाई पोजीशन ब्रिटिश अधिकारी के कहने पर मल्ली को खरीद लेते हैं और लड़की के परिवार से विरोध के बावजूद दिल्ली ले जाते हैं। कहानी दिल्ली में अगली बड़ी छलांग लेती है, जहां दोनों एक्टर का परिचय मिलता है कि ब्रिटिश कैद की लड़की को मुक्त करने के लिए दिल्ली कौन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मल्ली की भूमिका किसने निभाई है? चंडीगढ़ की ट्विंकल शर्मा ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो खुद में ही एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। कहा जाता है कि निर्देशक ने मल्ली की भूमिका के लिए कम से कम 160 बच्चों का ऑडिशन लिया। 160 में से ट्विंकल शर्मा का सिलेक्शन हो गया था और उस समय वो कक्षा 8 में पढ़ रही थी और अब वो चाइल्ड आर्टिस्ट अभी कक्षा 10 में है। और ट्रिपल आर के अलावा ट्विंकल ने डांस इंडिया डांस और अन्य कई टीवी शो में भी भाग लिया है। ट्रिपल आर अभिनेता रामचरण ने 27 मार्च रविवार को अपना जन्मदिन मनाया। आधी रात होते ही साउथ के सितारे के लिए हर तरफ से शुभकामनाओं की बरसात हो रही है। खैर, सिर्फ फैंस ही नहीं, रामचरण के दोस्तों और इंडस्ट्री के मेंबर्स ने भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। रामचरण ने सपोर्टिव फ्रेंड जूनियर एनटीआर, जिन्हें तारक के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने न केवल सोशल मीडिया पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी बल्कि उनके लिए एक पार्टी भी आयोजित की और इसी तरह उन्होंने रामचरण का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और चटपटी खबरों का मजा लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।